दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में जिसके मदद से आप घर बैठे पर्सनल लोन ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी या पड़ी है, तो वही इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, जानिए समझिए कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है, सब कुछ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देखने को आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में अब ये भी पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर कितने की अप्रूवल मिली है। सब कुछ डिटेल में देखेंगे लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखेगा। दोस्तों वाकई में अगर आपको पर्सनल लोन्स का रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है, तो इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों जा सकते हैं। फास्ट एंड इजी एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, 100% सिक्योर पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ एप्लीकेशन ये वर्क करती है। आपको जानकारी के लिए बता दें, मिनिमम 1,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन देने की दावा करती है, जो कि एक RBI अप्रूव NBFC फॉर्म के जरिए से ही दोस्तों लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर यह भी बता रखा है भाई, मिनिमम 91 दिनों से लेकर 180 दिनों का समय दिया जाएगा लोन भुगतान करने के लिए। अब बात तो वहीं यहाँ पर आती है भाई, मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट चार्ज क्या लगने वाले हैं, यानी सालाना इंटरेस्ट चार्ज क्या लगने वाले हैं। तो लगभग यहाँ पर मान के चलिए 35% आपसे इंटरेस्ट चार्ज लेने वाली है सालाना। दोस्तों एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। दोस्तों भारत में आप कहीं भी हो, कहीं से भी आप लोन्स लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का नागरिक होना इम्पोर्टेंट है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। इंस्टेंटली AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ एप्लीकेशन आपकी रिव्यू करती है और आपको बता दिया जाता है कि आपको अप्रूवल मिलेगी या फिर डिसअप्रूवल मिलेगी। लोन अप्लाई करने से पहले आपसे किसी तरह का कोई एडवांस चार्ज आपसे नहीं मांगती है, ना देने की आपको जरूरत है। 24/7 कभी भी आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं फटाफट इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने होंगे। जब भी आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करेंगे तो आपको एक सेल्फी देना होता है, आप एक पैन कार्ड देंगे और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। यानी कि आधार पैन के बेस पे दोस्तों ये लोन सर्व करने वाली एप्लीकेशन है। किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ के तौर पे जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है। यानी आधार पैन के बेस पे आप लोन ले सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, रजिस्टर्ड करना होगा अपने मोबाइल नंबर के साथ और कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह आप फिलअप करेंगे, KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अप्रूवल आपको जैसी मिल जाती है आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है, वो भी OTP के माध्यम से, और अपने बैंक खाते में इंस्टेंट पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भारत में कहीं से भी हो आप ऑनलाइन लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत में लोन सर्विस ये लोन प्रोवाइड कराती है। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला चीज़ कि अगर आप भारत का नागरिक हैं, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होनी चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर बात करें एज की, तो ऐसे में आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, एक वैलिड बैंक अकाउंट होनी चाहिए, आधार पैन तो होना ही चाहिए। इसी के बिहा पर आप यहाँ पर पर्सनल लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर इन फ्यूचर कभी भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं और या फिर किसी तरह का कोई पूछताछ करना चाहते हैं, कोई एरर फेस कर रहे हैं, तो आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा था ये है माई क्रेडिट लोन एप्लीकेशन, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से ही लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। 4.4 के साथ एप्लीकेशन ये रेट करी और आप देख सकते हैं राइट साइड में 5 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को अब तक डाउनलोड कर लिया गया है। तो फटाफट एप्लीकेशन को हम सबसे पहले फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि मुझे यहाँ पर कितने की अप्रूवल मिली है और कितने दिनों का लोन हम ले सकते हैं। वीडियो हमारे साथ दोस्तों बने रहे, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके दोस्तों नहीं देखिएगा। दोस्तों ये है माई क्रेडिट एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस। जब भी एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको स्लाइड करना है और नीचे से गेट स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ये देख लिया कीजिए कि आपसे परमिशन क्या क्या एप्लीकेशन ले रही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं SMS, लोकेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, कैमरा, स्टोरेज और साथ साथ कॉन्टैक्ट एप्स के लिए परमिशन मांगी जा रही है। अब ऐसा परमिशन क्यों मांगी जा रही है, इसके जानकारी के लिए आपको सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी के पेज ऊपर जाकर आपको रीड करना चाहिए। सब कुछ अगर आपको सही लगे, सहमत हैं, तो आप इस बॉक्स को चेकआउट करेंगे और आगे बढ़ने के लिए एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से कंटिन्यू अलाउ करेंगे, जिस जरिए से एप्लीकेशन को कंप्लीट परमिशन दे पाएंगे।
सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ हम लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों ये है MyCredit एप्लीकेशन का मेन डैशबोर्ड और स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पर 2000 रुपए के मुझे यहाँ पर अप्रूवल मिली है और ऐसे में यहाँ पर हम चाहूँ तो यहाँ पर 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का लोन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको फर्स्ट टाइम 1000 का लोन आपको दिए जाते हैं और इसे अगर आप समय पर भुगतान करते हैं तो आपके सिविल स्कोर तो बिल्ड तो होती ही है, साथ साथ आपका लिमिट भी इम्प्रूवमेंट होते चली जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमें यहाँ पर लोन टर्म मिल रहा है भाई, ये 10 दिनों का समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको बता दूँ जानकारी के लिए, अगर आप यहाँ पर 2000 रुपये के लिए लोन लेते हैं 10 दिनों के लिए, तो ऐसे में आपको सबसे पहले यहाँ पर तो सेल्फी लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट पहले सेल्फी ले लेता हूँ। सेल्फी लेने के बाद दोबारा हम देखते हैं यहाँ पर क्या चार्जेस लगने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 2000 रुपये का लोन अगर होता है 10 दिनों के लिए, यानी 2000 रुपये का लोन लेते हैं 10 दिनों के लिए, तो ऐसे में आपके बैंक खाते में लोन अमाउंट डिसबर्समेंट होंगे 1528 रुपये, प्लेटफॉर्म फी यहाँ पर 280 रुपये ले जा रहे हैं, रीअसाइनमेंट फी 120 रुपये, GST अमाउंट 72 रुपये, साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट जो लग रहे हैं पर मंथ के हिसाब से वो 2.92% के हिसाब से पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है, जो कि 20 रुपये यहाँ पर चार्ज किए गए हैं। आपको लोन को रिपेमेंट करना होगा 2020 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर अपने हिसाब से सोच समझ के लोन्स के लिए अप्लाई दोस्तों आपको करना चाहिए। अगर मान लीजिए 1000-2000 रुपये के लोन के रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी आ पड़ी है, तो कम से कम 7 दिन वाले से तो बेहतर है कि आपको कम से कम 10 दिनों का समय दिया जा रहा है। अब ऐसे में आपके ऊपर निर्भर करता है लोन लेना नहीं लेना। ठीक है, आधार पैन के बेस पे दोस्तों पूरे भारत में लोन सर्विस प्रोवाइड कराती है। भारत में कहीं से भी हो आप ऑनलाइन लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से ही लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जरिए से ही लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। हालांकि इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप रिव्यू किया है, लोन अप्लाई करके आपको दिखाया है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, किस तरह से KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और किस तरह से लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है। मैंने वो सारी चीज़ें प्रक्रिया ऑलरेडी बता रखा है। इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना चाहते हैं, तो भाई इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा था MyCredit लोन एप्लीकेशन, एक है क्रेडिट वन लोन एप्लीकेशन और तीसरा है डॉक्टर कैश लोन एप्लीकेशन। तीनों का तीनों एक ही लोन एप्लीकेशन है, कहीं से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों। दोस्तों यदि आपके पास बैंक स्टेटमेंट या फिर नेट बैंकिंग नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसके अलावा भी और भी ऐसे एप्लीकेशन है जिसके जरिए से आप घर बैठे मैक्सिमम लोन 5 लाख रुपए ले सकते हैं, वो भी आधार पैन के बेस पे। लेकिन शर्त ये होंगे कि पूरे भारत में लोन सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते हैं। यदि आधार पैन के बेस पर अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों एक बार लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसे 10 से 12 लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ, जिसके मदद से किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ नहीं, ना कोई बैंक के स्टेटमेंट के, आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, वो भी घर बैठे, वो भी आधार पैन के बेस पे। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा।